हमारे साथ मौजूद है एमएलए वारिस पठान, जो टीम 07 के सपोर्ट में आ गया है। वारिस भाई, क्या ऐसी वजह रही जो टीम 07 को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? देखिए, वजह मुझे जो लगती है वो तो साफ़ है कि इन्होंने तबरेज अंसारी का जो मॉब लिंचिंग हुआ था उसके विरोध में बात करी। विरोध में नहीं, उन्होंने टिक टॉक के ऊपर एक अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, और ऐसे जो अल्फाज उन्होंने जाहिर किए उसमें ना किसी अलग रिलीजन को हर्ट करने वाली बात थी, ना किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने वाली बात थी। इस किस्म के डायलॉग आम दिन हम रोज़ हिंदी पिक्चर में देखते हैं, इन्होंने वो बोला। मगर क्योंकि ये एक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं तो शायद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। अब ये बेचारे जो 5 बच्चे हैं, यंग बॉयज, इनका ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है। ये टिकटॉक के अंदर आज की तारीख में देश के अंदर देखो तो ये टॉप के बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आज एक 26 मिलियन फॉलोअर का अपना एक ये बना दिया है बेस। 2 रुपया कमा जाते हैं जिससे इनका घर चलता है। ये इनका कोई सांप्रदायिक तनाव फैलाने का तो कोई इंटेंशन इरादा कुछ था ही नहीं कहीं पर भी। फिर भी एक कंप्लेंट पर पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दिया, तो मैं समझता हूं कि पुलिस ने इसमें जल्दबाजी की। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, क्या आवाज़ डब है चेक करना चाहिए था, उनको बुला के धमकाते, एनसी कंप्लेंट लेते, सीधा एफआईआर करने की क्या जरूरत है? अगर इसी तरह एफआईआर होते रहे तो वारिस पठान तो रोज टीवी के ऊपर बीजेपी को आड़े हाथ लेता है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ बात करता हो, मुझे अरेस्ट कर। अरे इनके तो भाजपा के जो नेता है उनका तो काम ही है सांप्रदायिक तनाव फैलाने का। हर आए दिन एक बयानबाजी आती है इनके मुंह से, क्यों एफआईआर नहीं होता उनके ऊपर? क्यों सिर्फ इन्हीं को टारगेट किया गया? क्यों सरकार इन 5 मासूम बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ करना चाहती है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुसलमान की आवाज को रोकने की साजिश हो रही है ताकि कोई आगे से बोले नहीं। मगर देखिए साहब, बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान ने वारिस पठान को भी उतना ही अधिकार दिया है जितना नरेंद्र मोदी को दिया है। हमको आर्टिकल 14, 15, 16 में राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम हमारी बात रखेंगे। हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी क्या है? एग्री टू डिसएग्री। मैं जो चीज से एग्री नहीं होता हूं मैं डिसएग्री करता हूं। आपके डेमोक्रेसी को भी खत्म कर देंगे, और इस तरह से एफआईआर करके आप क्या दिखाना चाहते हो? 5 बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना चाहते हो? ये एक बहुत सीरियस इशू है। उनके फॉलोअर्स 50 लोगों के मुझे फोन आ गए कि वारिस भाई कुछ करिए इनके लिए, तब जाके मैं इनके सपोर्ट में आया हूं, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं नहीं बेइंसाफी हो रही है। एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, उनके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है कि आवाज नहीं उठाए, मगर संविधान में रह के उन्होंने बात की है, कोई सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात ही नहीं की इन्होंने। मैंने पूरा वीडियो देखा है। आज मैं गया पुलिस कमिश्नर साहब के पास, गए जॉइंट कमिश्नर साहब के पास गया, मैंने उनको लेटर दिया अपनी जानिब से। मैंने साफ अल्फाज में कहा कि सर, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ना इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना है, ना इनका इंटेंशन था कोई सांप्रदायिक तनाव फैलाने का। इनकी नीयत साफ थी, एक टिकटॉक का वीडियो इन्होंने बना के डाल दिया, उसके लिए भी इन्होंने कल एक वीडियो जाहिर करके क्लैरिफाई किया कि हमने इंटेंशनली अनइंटेंशनली नहीं किया, हमने सिर्फ एक क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट के तौर पर एक वीडियो निकाला, किसी के सेंटीमेंट्स को हट करने का बात ही नहीं किया, उसमें माफी मांगा है उन्होंने, तो क्यों इनको सजा देना चाहिए? तो मैंने निवेदन दिया है कि आप जो 3 बच्चों पर एफआईआर हुआ है उस पर लीनियंसी बरती है, और जो इनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंट का डीएक्टिवेट हो जाना, मतलब 26 मिलियन फॉलोअर्स जो है उनके साथ आपने बेइंसाफी कर दी। सब फॉलो करते थे इनको, अच्छा लगता था उनको वीडियो देखना। अब अगर ये नया अकाउंट चालू करेंगे तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो आप अगर चाहें तो उसी अकाउंट को वेरीफाई करिए आप, अगर उसमें आपको लगता है कोई कंटेंट ऐसा है जो सांप्रदायिक तनाव फैला सकता है तो आप वाकई में मत करिए। मगर मैं जानता हूं, मेरी जानकारी के मुताबिक उनकी कोई भी वीडियो में ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई सॉन्ग ऐसा है नहीं कि जिससे किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट हो या कोई सांप्रदायिक तनाव हमारे यहां फैले, तो उनका एक्टिवेट करना चाहिए। मेरी बात सुना जॉइंट कमिश्नर साहब ने, मेरी बात को गौर से सुना कमिश्नर साहब ने, गौर से सुना और कहा कि जो भी कायदे कानून में उचित होगा हम उस पर फैसला लेंगे, और हम भी नहीं चाहते कि किसी बच्चों का करियर खराब हो, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्रॉपर रीत से, और जो भी हो सकेगा हमारी तरफ से हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि इनका करियर खराब होने से बच जाए। ये आश्वासन दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। कई पॉलिटिशियन ऐसे विवादित बयान दे देते, इस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत नहीं लिया जाता है, इनके अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए, सॉन्ग को भी हटा दिया गया है, तो क्या लगता है जल्दबाजी में इस तरीके का एक्शन जायज था? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनीता सिंह गौड़
कैमरे के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। सुनीता सिंह गौड़ करके एक ये यूपी की भाजपा की सदस्य है, कुछ दिन पहले इन्होंने क्या लिखा, इनके साथ एक ही उपाय है, 10 हिंदू भाई एक साथ मिलकर इनकी बहन और इनकी माँ के साथ खुलेआम सड़क पर बलात्कार करें, फिर उसे काट के खंबे में टांग के बीच बाजार में टांग दे, पत्थर का जवाब वगैरह वगैरह। अब इनके साथ क्या किया सरकार ने, सदस्यता से निकाल दिया। क्या इनके अकाउंट को बंद किया, क्या इनके खिलाफ कोई FIR है? नहीं है। अरे योगी हर आए दिन कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं, कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इनके लीडर्स, FIR तो किसी के खिलाफ भी नहीं होता। तो फिर यही पांच जो तीन बच्चे हैं टिकटॉक 07 के, उन्हीं के खिलाफ FIR, इनका करियर स्टेक पे आ गया, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाबदारी लेगा, कसूर क्या है, गुनाह क्या है इनका, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से क्या गुनाह है इनका। सिर्फ एक वीडियो डब करके डालना जो इसमें किसी के ना गॉड के बारे में कुछ किया है इंसान, ना किसी के रिलीजन को कोई उन्होंने ठेस पहुंचाई है। वारिस भाई जिस तरीके से देखा जाता है क्या एक हिंदू विरोधी ये सब चीज़ को बताया जा रहा है, जबकि 07 टीम एक यूनिटी में रहती है, उनमें कई फ्रेंड है जो मुस्लिम हिंदू सब मिलके एक साथ वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मुझे यही जानकारी मिली है कि इनकी टीम के अंदर नॉन मुस्लिम्स भी है, मुस्लिम्स भी है, सब मिलके वीडियो बनाते हैं। तो इनका कोई इंटेंशन है ही नहीं सांप्रदायिक तनाव फैलाने का, ना इन्होंने मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला, ना इन्होंने हिंदू के खिलाफ कुछ बोला, इन्होंने सिर्फ तबरेज अंसारी का जो मॉब लिंचिंग किया था उसके खिलाफ बोला कि वो गलत किया, क्योंकि वो मुसलमान था, उसको ये बोला गया जय श्री राम बोल, और उसने जब जय श्री राम नहीं बोला तो उसको बॉम्ब लिंच करके मार दिया। तो इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया थी जो वीडियो के जरिए लोगों के सामने पेश की, क्या गलत किया, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनको नहीं है, अखबारात ने लिखा, टीवी वाले बोलते तो क्या सबके खिलाफ आप FIR करोगे? अगर इसी तरह से FIR होता रहा तो हमारा देश कहाँ जाएगा, ये तो संविधान का कत्ल करने वाली बात होगी। फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रहा, हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, उसका मतलब क्या रहा कि जब डेमोक्रेसी के अंदर मेरे राइट छीन लिए जाएंगे, मुझे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि ये करोगे तो तुमको जेल में डाल देंगे। तो अपनी आवाज बुलंद करने का तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने सबको अधिकार दिया है, तो अधिकार यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि पुलिस ने काफी इसमें जल्दबाजी कर दी, FIR अगर आप FIR कर दिया, समझो अगर आपको लगता है कि नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं, आप इनको बुलाते, वार्निंग देते कि आप लोगों के खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट आ रही है, इस तरह का मत करो काम। मैं समझता हूं ये इतने समझदार बच्चे हैं कि ये बिल्कुल नहीं करते किसी तरह का, नहीं इस तरह का इनका इंटेंशन ही नहीं, मगर ना वार्निंग ना कुछ ना एनसी ना डायरेक्ट FIR अनहर्ड ऑफ, कभी सुना नहीं गया ऐसे ऐसे केस के अंदर आप FIR कर दोगे। तो पुलिस को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, कमिश्नर साहब ने कहा कि ठीक है मैं देखूंगा इसमें खुद, बच्चों के साथ न्याय करूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा, ये आश्वासन लेके मैं आया हूँ आज। और आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा टीम 07 को, क्योंकि उसमें से एक फैसू है जिनकी ID एशिया में नंबर 1 थी वो टिकटॉक पे, कहीं ना कहीं इंडिया और मुंबई का नाम इसमें होता कि मुंबई का एक बंदा एशिया में फर्स्ट पे है, कई मेहनत थी, कई मिलियन व्यूवर्स थे इनके। देखिए मैं उनको यही कहूंगा कि ये जो डीएक्टिवेट अकाउंट कर दिया है, तो मैंने कमिश्नर साहब के सामने बात रखी, उन्होंने कहा अभी चेक करना पड़ेगा कि टिकटॉक ने इनको डीएक्टिवेट किया है या मुंबई साइबर सेल ने किया है, तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मगर मेरी मांग ये है कि अगर डीएक्टिवेट भी हुआ है तो उनका एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि उसके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं लोग, एंटरटेनमेंट सबको राइट टू प्राइवेसी राइट टू लीव देयर ओन लाइफ है ना, सब वो नहीं ख़त्म करना चाहिए इंसान को। और एक लड़का आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है अपने काम से, अपना नाम कर रहा है, 2 रुपया रोजी रोटी कमा रहा है लीगल काम से, तो उसको क्यों दबा के डरा के बंद कराना चाहिए? आप सब मेरे छोटे भाई के बराबर हो, मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूँ, क्योंकि आप संविधान के दायरे में रहकर काम करते हो, मैं आपके साथ हूँ, कायदा कानून पालन करेंगे, हम डरेंगे नहीं किसी से, डर के घबरा के पीछे नहीं हटेंगे, हाँ कायदे का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। मैं इनकी लड़ाई में इनके साथ खड़ा था हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा। तो आप टिकटॉक 07 गैंग को बोलना चाहता हूँ, जो भी पुलिस ने भी किया है, आप इन्वेस्टिगेशन में उनको समर्थन करें, प्रॉपर उनके साथ कोऑपरेशन करें, और अपने संविधान का राइट्स का सही इस्तेमाल करें, और कोई ऐसी हरकत न करें जिससे आपको आगे तकलीफ आए। और आपने कल एक माफ़ीनामे का वीडियो भी जाहिर किया है, वो भी मैंने बताया है आपको, जिसमें आपने कहा कि आपका कोई इंटेंशन था ही नहीं गलत चीज़ का, तो आप उसी पे कायम रखिए। आप एक एंटरटेनमेंट वाली चीज़ हो, आप एंटरटेनमेंट करिए, आप किसी भी अपनी हरकत से
कोई ऐसा स्टेप मत लीजिए जिससे किसी भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई को या बहन को बुरा लगे या खराब लगे या किसी के सेंटीमेंट को हर्ट हो। आप जिस तरह से 26 मिलियन फॉलोअर तक आप पहुंचे, मैं चाहता हूं ऊपर वाला आपको 126 मिलियन फॉलोअर तक करे। सही रीत से करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।